Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in today's video lecture. Today, we are going to discuss the topic classification of industries on the basis of ownership. On the basis of ownership, industries can be classified into multinational industries, cooperative sector, joint sector, private sector, and the public sector. These are five kinds of uh, industries on the basis of ownership. Let us try to understand them one by one. Industries

तो ये कहलाएगी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इसी तरह से मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट की इसमें जो भी काम होगा रिक्रूटमेंट होगा प्रोडक्शन होगी इसका फुल कंट्रोल हमारे हाथ में होगा सो इट वुड बी कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री यानी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसका मालिक कोई भी पर्सन हो ना कि गवर्नमेंट दैट्स कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री सिमिलरली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती है जिनका मालिक और जिनको ऑपरेट करने वाली गवर्नमेंट होती है जैसे यहाँ पे है हिंदुस्तान एरोस लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनको कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट का है यानी इनके ऑनर्स भी गवर्नमेंट है इनको ऑपरेट भी गवर्नमेंट करती है इनमें क्या प्रोडक्शन होगी इनकी सर्विसेज कैसी होगी यहाँ पे रिक्रूटमेंट कैसी होगी किस तरह की इंडस्ट्री होगी सारे लॉज गवर्नमेंट फ्रेम करती है सो दीज आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बिकॉज़ अर प्राइमरी कंसर्न इज टू प्रोड्यूस फॉर द पब्लिक तो जो भी यहां से प्रोड्यूस होता है जो भी इनकी सर्विस होती है वो पब्लिक के लिए होती है और इसीलिए गवर्नमेंट इनको खुद कंट्रोल करती है यहां पर टॉप टेन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है इंडिया की जो टू थाउजेंड एट में लिस्ट आया है इनमें सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टी सी एस इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड विप्रो लिमिटेड टेली वेंचर्स लिमिटेड आईटीसी लिमिटेड और हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड टाटा स्टील लिमिटेड आपके सामने कुछ और है जो कि मैंने पहले भी बोला ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इनमें भारत पेट्रोलियम है बी एच ई एल है या फिर यहाँ पे हॉल है एच पी है इंडियन ऑयल है एम टी एन एल है तो ये सारी कहलाती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इसके बाद हमारे पास है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज दीज आर ओनड एंड ऑपरेटेड बाई द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी वो इंडस्ट्रीज जिनको कंट्रोल करता है एक पर्सन या कुछ पर्सनज और साथ में गवर्नमेंट भी यानी जो इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के थोड़े से कंट्रोल में हो और थोड़े से प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में हो तो इनको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज इनको गवर्नमेंट भी चला ऑपरेट करती है कुछ लाज गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ लाज प्राइवेट होते हैं सो दीज आर कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपके सामने है मारुति उद्योग लिमिटेड ये बेस्ट एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की क्योंकि इसमें लाज दोनों के होते हैं इसमें ऑपरेशन जो ऑपरेट करता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है लेकिन इसमें लाज चलते हैं गवर्नमेंट के इसी तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज इनको इनका मालिक और इनको ऑपरेट करने वाले जो होते हैं वो या तो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ तो इनको कौन चलाता है इनका मालिक कौन होता है इनका मालिक प्रोड्यूसर भी होता है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है वो भी होता है जो वर्कर इसमें काम करता है वो भी होता है या तो इनमें से कोई एक या फिर सारे यानी कुछ लोग जो खुद ही काम भी करते हैं खुद ही रॉ रामेट्रियल भी लाते हैं खुद ही प्रोड्यूस भी करते हैं खुद ही ऑपरेट भी करते हैं खुद ही इसके लाज भी फ्रेम करते हैं सो दिस इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ तो इसमें ना तो गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ होता है ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है ये लोग मिलकर कोई इंडस्ट्री बनाते हैं और फिर जो प्रॉफिट या लॉस हो वो उसके शरीक होते हैं जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसको आप कहते हैं अमूल इसी तरह से सुधा डेरी ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल्स है जो कॉपरेटिव वेंचर्स में है ये है मारुति सुजुकी, जो कि मैंने पहले ही बोला जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है उसकी एग्जाम्पल है यह है अमूल की एग्जाम्पल जो कॉपरेटिव सेक्टर में आती है इसमें वर्कर्स रॉ मटेरियल सप्लायर्स प्रोड्यूसर्स सब मिलकर काम करते हैं तो आपको यहां तक समझ आया होगा कि इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन जो होती है वो किस तरह होती है एक और कैटेगरी जो मैंने बोला मल्टी नेशनल कंपनीज मल्टी नेशनल कंपनीज वो होती है जो किसी एक कंट्री में ना हो इनके ब्रांच डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं ये प्राइवेट भी हो सकते हैं पब्लिक भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली प्राइवेट ही होती है यानी कोई प्राइवेट कंपनी जिसने अपना ब्रांच एक इंडिया में खोला एक पाकिस्तान में खोला अफगानिस्तान में खोला यूरोप में खोला तो ये मल्टीनेशनल है क्योंकि ये किसी एक कंट्री में नहीं होती है इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पहुंच जाते हैं यानी इनके ऑफिस डिफरेंट कंट्रीज में होती है दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मल्टी नेशनल कंपनीज अब एक इंडस्ट्री बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है आखिर कहाँ पे हम इंडस्ट्री बनाएं और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी जिससे हम इंडस्ट्री को इस्टाब्लिश कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपके सामने सात खास चीज़ें नज़र आएंगी जो किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को बनाने के लिए ज़रूरी है शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रॉ मटेरियल की जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा सकती है फॉर एग्जांपल मुझे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनानी है तो उबैस लिए वहाँ पे बनाई जाएगी जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता है क्योंकि अगर मैंने किसी ऐसी प्लेस पे इंडस्ट्री बनाई जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो और मुझे दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से ख़रीदना पड़े तो वो काफ़ी महंगा होगा सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जे एंड के स्टेट में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाना चाहता हूँ इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल फिर वहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदना होगा फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ उसकी जो बाकी एक्सपेंसेस है वो रॉ मटेरियल ही पहले महंगा पड़ेगा फिर जब हम उसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो और ज़्यादा महंगा होगा नतीजा ये होगा कि हमारा मार्केट लॉस होगा इस वजह से बेटर है कि हम ऐसी प्लेस पर इंडस्ट्री बनाएं जहाँ पर रॉ मेटीरियल उसका अवेलेबल हो अगर आयरन इंडस्ट्री मुझे बनानी है तो वहाँ पर आयरन का होना ज़रूरी है अगर मुझे पेट्रोलियम इंडस्ट्री बनानी है तो वहां पे पेट्रोलियम अवेलेबल होना ज़रूरी है तो इस तरह से रॉ मेटेल पहला फैक्टर है जो देखा जाता है इंडस्ट्री बनाने से पहले दूसरा है लेबर यानी लेबर फोर्स के बगैर जो लोग काम करते हैं दरअसल लेबर फोर्स वो अवेलेबल होना चाहिए मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और इस वजह से सारे लोग जो है अपना अपना काम करते हैं लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं है और मुझे इंडस्ट्री के लिए चाहिए लेबर तो कहाँ से लाऊंगा दूसरी कंट्री से तो दूसरी कंट्री से लाने पर मुझे काफ़ी महंगे पड़ेंगे उनका खर्चा उनके एक्सपेंसेस उनका शल्टर उनका खाना पीना सब देना पड़ेगा इस वजह से प्रोडक्ट फिर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और मार्केट में उसका वैल्यू ओबली कम होगा क्योंकि मार्केट में उसको कोई महंगा खरीदेगा नहीं तीसरा फैक्टर मुझे चाहिए कैपिटल वो पैसा जो मैं इन्वेस्ट करूँगा ओबेस्ली पैसे के बगैर तो कोई भी काम स्टार्ट करना नामुमकिन है तो पैसा ज़रूरी है वो पैसा जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसके बाद चाहिए मार्केट मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ जब तक मार्केट नहीं है तब तक वो किसी काम का नहीं सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने इंडस्ट्री बनाई कॉटन टेक्सटाइल की अब मैं बेचना चाहता हूँ लेकिन मैं कहीं बेच नहीं सकता कोई मार्केट ही नहीं है लोकेलिटी में अपनी स्टेट में तो उसके लिए मुझे मार्केट ढूंढना होगा जब मैं मार्केट ढूंढूंगा तभी इस इंडस्ट्री इसी फैक्ट्री का वैल्यू होगा पावर क्योंकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मोस्ट ऑफ़ द मशीनज दे फंक्शन ऑन पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड ओबली जो इंडस्ट्री है वो यूजुअली लैंड पे ही बनाई जाती है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो वो लैंड पे ही है तो लैंड का होना जरूरी है अब लैंड लेने के दो तरीके हैं एक या तो मैं ख़रीद लूँगा उसका मालिक बन जाऊँ या फिर दूसरा तरीका मैं रेंट पे लूँ अगर मैंने रेंट पे लिया तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा यानी वो भी मेरे प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होगा और इस वजह से वो चीज़ें भी प्रोडक्ट वो चीज़ें भी काफ़ी महंगी होंगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना ज़रूरी है क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल लाना हो या फिर बने हुए चीज़ें कहीं पे बेचनी हो कहीं पे आ, उनको आ, मार्केट में डालना हो तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है कुछ ऐसे स्टेट्स हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का होना ज़रूरी है जैसे रेल ट्रेन उसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है और कास्ट काफ़ी फास्ट होती है अगर वो सर्विस अवेलेबल है तो इंडस्ट्री बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सात फैक्टर्स है जो हर कोई इंडस्ट्री बनाने या फैक्ट्री बनाने से पहले देख लेता है क्या ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं या फिर नहीं इसके अलावा और एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं वाटर क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज दे फंक्शन ऑन वाटर वाटर का होना जरूरी है ये भी एक फैक्टर है जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक बिजनेसमैन सबसे पहले देखता है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेल द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लैंड वाटर लेबर पावर कैपिटल ट्रांसपोर्ट मार्केट तो मैंने एक एक करके ये सब बता दिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है जो एक इंडस्ट्री बनाने के लिए हमें चाहिए सो इंडस्ट्रीज आर सुचेबल एंड वेर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर ईजीली अवेलेबल तो जो भी इंडस्ट्री बनाई जाएगी उनमें इन फैक्टर्स को देखना होगा या तो ये सब के सब होनी चाहिए या इन में से एट लीस्ट वो जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत हो समटाइम्स द गवर्मेंट प्रोवाइडस इंसेंटिवज लाइक सबसिडाइज पावर लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में भी लोकेट इन बैकवर्ड एरियाज कभी कभार इंडस्ट्री गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कभी ऐसे लोन्स प्रोवाइड करती है जिसमें हमें सब्सिडी मिलती है सब्सिडी का मतलब होता है कुछ कंसेशन से फॉर एग्जांपल मैंने एक लाख रुपए का लोन लिया और गवर्नमेंट कहती है कि आप सिर्फ एटी थाउजेंड रुपीज वापस पे करो या फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि एक लाख रुपए पे हम नॉर्मली ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं तो आप सिर्फ सिक्स दीजिए ये भी एक लो इंटरेस्ट सब्सिडी है इसी तरह से लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च ना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग हुआ लैंड हुआ फर्नीचर हुआ या कभी कभार तो लेबर फोर्स भी कभी ऑफिशल भी ये भी कभी कभार प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो ताकि वो भी डेवलप्ड हो जाए वहाँ पे भी प्रोग्रेस हो सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ़ टाउनज़ एंड द दिटीज़ तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो सिटीज़ और टाउनस जो आज के वर्ल्ड में बनती है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बनती है वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से बनती है क्योंकि जहाँ जहाँ इंडस्ट्री बनती है वहाँ लोग जाते हैं सेटल होने के लिए जॉब के लिए जाते हैं फिर सेटल हो जाते हैं इस तरह से वहाँ रोड्स बनते हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूव होता है हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस बनाए जाते हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है तो इस तरह से कभी कभार ये जो इंडस्ट्रियल रीजनस होते हैं जहाँ इंडस्ट्रीज बनाई जाती है ये कन्वर्ट हो जाते हैं पहले तो टाउनस में और फिर उस तरह से सिटीज़ में तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया अर्बन एरिया हम उसको कहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना हो जबकि रूरल एरिया हम उसको बोलते हैं जहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है तो अर्बनाइजेशन को प्रमोट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन वी कैन से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स द अर्बनाइजेशन और ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल सिस्टम होप यू विल एंजॉय द वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज